जब से NRC का मुद्दा चला था यहाँ से, तब से ये देखने को मिला है कि शाहीन बाग को हमेशा से टारगेट में रखा गया। हमारे नहीं, जितना भी एरिया है नोटराइज एरिया है वो सभी हटना चाहिए, पूरे दिल्ली में ही हटना चाहिए। होगा तो पूरी दिल्ली में सबके साथ ही होगा, सबके लिए होगा। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पयोधि शशि। और 10 बजे की बड़ी खबर, दक्षिण दिल्ली में अवैध निर्माण पर कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। ओखला इलाके में 6 मई और शाहीन बाग में 9 मई को अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस दौरान बुलडोजर के जरिए ही सारे निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा, यानी हटाया जाएगा। कार्रवाई के दौरान फुटपाथ, पार्क, सड़कों से अतिक्रमण हटाने के साथ ही नियमों का उल्लंघन कर किए गए निर्माण को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी इस ब्लूप्रिंट में हो चुकी है। एक बार फिर से आपको बता दूं, जो ओखला इलाका है उस पे 6 मई और साथ ही शाहीन बाग में 9 तारीख को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। इस वक्त ब्लूप्रिंट में क्या तैयार किया गया है, तारीख और जगह, यानी 4 मई को संगम विहार में, 5 मई को शाहीन बाग में, 6 मई को अमर कॉलोनी में ये बुलडोजर चलेगा। तो सिलसिलेवार तरीके से तारीख दर तारीख आप समझिए क्या इस ब्लूप्रिंट में तैयार किया गया है। दिल्ली में बुलडोजर का एक्शन प्लान कुछ इस तरह से है। और 6 मई में आपको बताया, 6 मई को जो बुलडोजर चलेगा उसकी जगह है अमर कॉलोनी, 9 तारीख को शाहीन बाग में चलेगा और 10 तारीख को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ये कार्रवाई होगी। 11 मई को लोधी रोड पर बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। 12 मई को अमर कॉलोनी में ये बुलडोजर चलेगा। 13 मई को कालिंदी कुंज में अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा, यानी शाहीन बाग दिल्ली में 28 अप्रैल 2022 को जब बुलडोजर चलाया गया था उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन उसी के साथ वो जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं जो इस ब्लूप्रिंट में तैयार की गई है। यानी कि अब दिल्ली में हर उस जगह पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जहां पर या तो नियमों का उल्लंघन कर, यानी नियमों को ताक पर रखकर कब्जा कर अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा किया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब किसी भी तरह की अवैध इमारत दिल्ली की सड़कों पर नहीं होगी, ये MCD ने एक तरह से साफ कर दिया है इस ब्लू प्रिंट को तैयार करने के चलते। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। दिल्ली में बुलडोजर का एक्शन प्लान जो तैयार हुआ है अब वो सिर्फ कुछ ही इलाकों के लिए नहीं, यानी दक्षिण दिल्ली या पूर्वी दिल्ली के लिए नहीं है, यानी अब पूरी दिल्ली में इस अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर तैयार कर दिया है। दीक्षा पांडे मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीक्षा, ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है ये पूरी दिल्ली के लिए अब तैयार हो चुका है, यानी एक साफ संदेश कि एक्शन अब पूरी दिल्ली पर होगा अतिक्रमण के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए अभी दक्षिणी नगर निगम ने सिर्फ 9 स्पॉट्स के लिए अभी ये एक रिवाइज रिलीज जारी किया है जिसमें ये बताया है कि किस तरह से जो इंक्रोचमेंट है उसे हटाया जाएगा। लेकिन अभी भी आपको बता दें कि इंक्रोचमेंट के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आगे क्या इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा इसके बारे में कोई कन्फर्मेशन फिलहाल नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि 9 इलाकों का लिस्ट जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ ही कल से जो इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी वो शाहीन बाग से, उसके बाद कालिंदी कुंज है, उसके बाद ही जो तमाम लिस्ट है वो जारी की गई। दीक्षा, आपने कहा कि कार्रवाई बुलडोजर से होगी, अभी ये तय नहीं हुआ है, तो क्या इस ब्लूप्रिंट में ये भी बताया गया है कि जहां पर ज्यादा अतिक्रमण किया गया है वहां पर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, या फिर इसमें ये भी बात की गई है कि लोगों से बात कर भी अतिक्रमण को हटाने की तैयारी है? जी बिल्कुल, मेरी जो दक्षिणी नगर निगम के जो मेयर है उनसे बात हुई है, उन्होंने यही बताया है कि फिलहाल अभी इंक्रोचमेंट हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दरअसल ये जो लिस्ट जारी की गई है ये एक रेगुलर रिमूवल का एक प्रोसेस है और जिसके तहत अभी 9 इलाकों का नाम दिया गया है, लेकिन जिस तरह से जो जहांगीरपुरी हिंसा हुई थी उससे इस इंक्रोचमेंट को जोड़कर देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये हर महीने की जाने वाला एक प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है जो हर महीने दक्षिणी दिल्ली के इलाकों में जो इंक्रोचमेंट्स है उनको हटाने का काम इसी के तहत किया जाता है। तो अब शाहीन बाग से क्योंकि ये शुरू होगा दीक्षा, लेकिन हमने देखा था शाहीन बाग में बुलडोजर के साथ ही शुरुआत हुई थी इस कार्रवाई की, इससे पहले जहांगीरपुरी में हमने बात की, क्योंकि इतना ज्यादा इंक्रोचमेंट हुआ था इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो जहां पर आपने बताया आपकी मेयर से बात हुई है, तो उन्होंने फिर क्या और विकल्प तैयार किया है, अगर बुलडोजर नहीं तो फिर क्या?
बिल्कुल देखिए, उनकी जो सामान्य मशीनें जिनका इस्तेमाल हमेशा से वो करते रहे हैं, उनके जो एसडीएमसी के जो तमाम कर्मचारी हैं वो कल स्पॉट पर पहुंचेंगे और तमाम जो सामान्य मशीनें हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि वहां पर तमाम ऐसे मेट्रो स्टेशन है जहां पर इंक्रोचमेंट हुआ है, दुकानें लगा दी गई हैं, वहां पर लोगों के खड़े होने के स्पॉट्स बना दिए गए हैं, लेकिन अभी आपको बता दें कि इंक्रोचमेंट हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ऐसा कंफर्म किया है मुकेश सूर्यान जो कि दक्षिणी नगर निगम के मेयर है। दीक्षा आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी साझा करने के लिए, आप ही के जरिए और अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे।